हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माया हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन आपको अवॉइड क्यों कर रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या वजह है कि ये पर्सन आजकल बदला बदला सा है और आपको वैसे प्यार नहीं कर रहा जैसे कि वो करते थे, या क्या वजह है कि ये पर्सन आपसे दूरी बनाए हुए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। सो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये पर्सन ऐसे रिएक्ट कर रहा है। Messages for scorpions, वो आपको अवॉइड क्यों कर रहे हैं। The Emperor, Five of Cups, Page of Wands, Wheel of Fortune and Knight of Cups. Okay. So, Five of Cups. लगता है जैसे इस पर्सन को पता चल गया है कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। इट्स लाइक आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ ये पर्सन आपको बार बार रेड फ्लैग शो करते आया है। ओके, उनकी कोई ऐसी मिस्टेक हो सकती है जिसे वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। ये पर्सन हो सकता है ये मिस्टेक आपसे छुपाना चाहता हो, कोई ऐसी चीज़ या गलती जो इन्होंने की है, और अब ये पर्सन नहीं चाहता कि वो गलती आपके सामने आए। और अगर वो गलती आपके सामने आती है तो कम से कम वो आपके सामने ना रहे, जिससे कि वो ब्लेम से और एक्सप्लेनेशन देने से बच सके। बिकॉज आप जिससे डील कर रहे हैं वो पर्सन है द एम्परर। इनका ईगो बहुत स्ट्रांग है, इन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, और उन्हें कोई भी सॉरी कहने की या अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं। इस पर्सन को लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। सो अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई भी है तो उन्हें लगता है कि वो किसी परिस्थिति की वजह से हुई थी, किसी स्पेशल सर्कमस्टांस में हुई थी और उस पर उनका कंट्रोल नहीं था। ये पर्सन वो है जो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है जब बात आती है अपनी गलतियों को मानने की या उसमें सुधार करने की। ये पर्सन वो है जो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता अपनी मिस्टेक, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है। उन्हें लगता है कि आपको अवॉइड करने से हालात अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे, और वक्त बीतने के साथ आप अपने सवाल भूल जाएंगे या उनकी गलतियाँ जो हैं पास्ट में कहीं बहुत पीछे छूट जाएंगी, और फिर उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बस यूं ही बाद में वो सब कुछ ठीक कर लेंगे। इनके दिमाग में फ़िलहाल तो यही चल रहा है। पेज ऑफ वांड्स के साथ इस पर्सन को पता है कि आप एक लॉयल लवर हैं, अपना 100% देते हैं, डेडिकेटेड हैं आप, और एक अनकंडीशनल लवर भी हैं। बट एट द सेम टाइम आप एक्सपेक्ट भी दूसरे पर्सन से वही करते हैं, एंड इसीलिए ये पर्सन सोच रहा है कि वो किस तरीके से आपको कन्विंस करेंगे कि आप उनकी इस गलती को भूल जाएं। आपने शायद ऑलरेडी बहुत सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर किए हैं, और अब आप और कितना बर्दाश्त करेंगे। इस पर्सन को पता है कि आपका पेशेंस भी एक लिमिट तक ही होगा, एंड डेफिनेटली जब ये गलतियां आपके सामने आएंगी तो आप उन्हें ब्लेम करेंगे ही करेंगे, ये आपका नेचुरल रिएक्शन होगा। और ये पर्सन इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। इनफैक्ट हमारे पास नाइट ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन जानता है कि वो चाहे तो चीज़ों को बाद में ठीक कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि वक्त के बीतने के साथ आपका गुस्सा भी कम हो जाएगा या आपके सवाल भी कम हो जाएंगे। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आप उनके लिए बहुत सारा लक और लव लेके आए हैं। उन्हें पता है कि आप उनके किस्मत में आया हुआ वो बदलाव है जो उनकी किस्मत बदल देगा। और इस पर्सन को पता है कि आप कितने खास हैं, स्पेशल हैं, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने ईगो में इतना गुम है, इतना स्ट्रांग इनका ईगो है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। हालांकि फाइव ऑफ कप्स के साथ मैं इनके अंदर थोड़ा सा रिग्रेट ज़रूर देख रही हूँ। ये पर्सन ये ज़रूर सोच रहा है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता या ऐसा कुछ ना हुआ होता तो आज मैं और स्कॉर्पियंस क्लोज होते एंड चीज़ें ऐसी ना होती, इस तरीके का माइंड गेम नहीं खेलना पड़ता, इस तरीके से अवॉइड नहीं करना पड़ता आपको।
और सब कुछ अच्छा होता। तो इस पर्सन के अंदर इन चीज़ों का रिग्रेट तो मैं क्लियरली देख ही रही हूँ, बट ये पर्सन पूरी तरह से गिव अप नहीं करने वाला है। ये जो अवॉइड करना इन्होंने आपको शुरू किया है, ये टेम्प्रोरी है, और जल्द ही ये पर्सन आपको फिर से अप्रोच करेगा, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि अभी भी कुछ बचा है। यहाँ पे आप टू ऑफ कप्स देख रहे हैं बैकग्राउंड में। इस पर्सन को लगता है कि यही एक तरीका है इस रिलेशनशिप को बचाने का, आपको अवॉइड करना फ़िलहाल, बाद में वो चीज़ों को संभाल लेंगे। और उन्हें अपोलोजी भी ऑफर नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें अपने ईगो को साइड रख के आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन सोच रहा है। ओके, सो कब से आपकी रीडिंग में इतने सारे, कोई वाटर साइन हो सकता है? वैसे ये इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है एंड ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की रीडिंग देखना चाहें, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए स्कॉर्पियंस। द एम्परर, ओके, द एम्परर मैं उठा के रख रही थी इसलिए मैंने कह दिया। द लवर्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो ये है आपके बाकी पांच कार्ड्स। द लवर्स का मतलब है कि इस पर्सन को आपके लिए जो फीलिंग्स महसूस होती हैं, वो इस पर्सन को कभी पहले महसूस नहीं हुई। इनफैक्ट ये पर्सन जानता है कि ये कनेक्शन काफ़ी डीप है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब मैं यहाँ फाइव ऑफ पेंटिकल्स देख रही हूँ, तो यहाँ पे स्टोरी में एक ट्विस्ट नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है कि यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई ऐसा हो सकता है जैसे आपके रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है, इनका फैमिली मेम्बर हो सकता है या कोई और जो इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है। वैसे यहाँ बहुत चांसेस है कि इस पर्सन ने किसी में अपनी दिलचस्पी दिखाई हो। ओके, शायद ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो गया और किसी और के क्लोज चला गया, या इन्होंने किसी और के साथ फ्लर्ट किया और इन्हें अब लगता है कि ये चीज़ें जब आपको पता चलेंगी तो उनकी जो इमेज है आपके नज़र में वो बहुत बुरी बनेगी। एंड ये पर्सन अब इन बातों को लेके बहुत शर्मिंदा है और किसी भी तरीके के इंट्रैक्शन से बच रहा है। ओके, इसलिए ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है ताकि उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े। धीरे धीरे करके वो आपसे दूरी बना ले और ये टॉपिक कभी आपके सामने ही ना आए, और जब उन्हें बाद में जब हालात सही लगे तो वो आपको अप्रोच करें। टू ऑफ सोर्ड्स के साथ आपका पर्सन कन्फ्यूज भी बहुत है। एक तरफ तो उन्हें लगता है कि उन्हें आपको सब बताना चाहिए और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, या कोई एक्सप्लेनेशन दे के चीज़ों को कह सकते हैं कि बस सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, जिस पे आप ट्रस्ट कर लें, क्योंकि ये पर्सन अपोलोजाइज नहीं करना चाहता। ये एक बड़ा ऑब्स्टेकल है यहाँ पे। फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ इस पर्सन को अकेला महसूस हो रहा है, ये गिल्ट तो ज़रूर फील कर रहे हैं। और यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि वो बहुत सेल्फिश हो गए थे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे और इसी वजह से वो ये कर गए। ये करने से पहले उन्हें नहीं पता था कि वो इतना रिग्रेट करेंगे, और अब ये जो भी उन्होंने किया है उसके बाद उन्हें लग रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। ओडेन, साइकिक इनसाइट। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी मन की आंखें खुली हुई है, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं। ओके, एंड जो सच है उसे देखिए और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने मन की आवाज़ को अनसुना मत कीजिए, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। जो भी आप फील कर रहे हैं वो सच है और सही है, ये मान के आगे बढ़ गए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन आपको अवॉइड क्यों कर रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।